जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो फीमेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो फीमेल ही है। हर जगह मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट फीमेल्स के ही होते हैं। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा पॉइंट, सबसे ज़्यादा परेशान कौन है। अगर मेल और फीमेल की बात करूं तो बहुत सारे मेल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रेस स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो कौन है, फीमेल। अभी तक किसी ने भी नहीं, मुझे लगता है, कि रेस स्टार्ट की होगी। वो लोग अभी तक यही परेशान है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे ज़्यादा ये परेशान है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर आपकी 80 के आसपास प्रश्न सही है तो आप रेस लगाते रहें। अगर आपने अभी से रेस की तैयारी नहीं की तो रेस तैयार कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रेस में बहुत कम समय मिलने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, कहीं पे भी वीडियो कमेंट करना छोड़ दें, अपनी रेस पे ध्यान दें। पर आप लोगों को मैंने देखा है, कोई भी चैनल हो जहाँ पे भी कट ऑफ अपलोड होती है, इतनी ज़्यादा लड़कियाँ मैसेज करती हैं, फीमेल जितनी भी हैं सब मैसेज करते हैं, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, इतने नंबर बन रहे हैं इस कैटेगरी। ये किसी को नहीं पता है कि कितना। तो आप लोग ऐसा ना करें, परेशान ना हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आपके 80 आस पास नंबर बन रहे हैं तो अपनी रेस कंटिन्यू रखें, नहीं तो बहुत ज़्यादा घाटा होने। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि कट ऑफ छोड़ो। देखिए, अगर आप कट ऑफ करते रहे, शाम को सोए तो कट ऑफ देखे, सुबह जगे तो कट ऑफ देखे, रेस कब लगाएंगे। वैसे भी लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है लड़कों की अपेक्षा। तो आप लोग इन सब में टाइम बर्बाद ना करें, अपनी रेस पे ध्यान दें, बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली। आगे और भी ऐसी चीज़ है जो आपको पता चलेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी जानकारी के लिए अच्छा रहेगा, आपकी रेस के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि फिजिकल पर ध्यान दो। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके 80 के आसपास प्रश्न सही हैं तो आप मत कमेंट करें कहीं पे भी, कोई भी कैटेगरी हो, ऐसा नहीं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। और यहीं पे अगर SC ST है तो आपके अगर 75 के आसपास ही बन रहे हैं तो भी आप रेस लगाती रहे। आप लोग कमेंट ना करें मेरा होगा, कोई भी शिफ्ट में हो, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी कब होगी आपको, आपका मान लो रेस लगा रही हो और आपका नाम नहीं आया तो थोड़ा सा उतना दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप रेस नहीं लगा रही हो और अगर लिस्ट में आपका नाम आ गया और आपको टाइम दिया गया 20 दिन, तो 20 दिन में क्या आपकी रेस तैयार हो पाएगी, आप कुछ सोचिए। तो अगर इससे बाहर हो जाओगे तो उतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन जब आप रेस लगाने जाओगे आप अपना 2.4 किलोमीटर दौड़ भी नहीं पाओगे, आपको इतना अफसोस लगेगा और सारी ज़िंदगी यही रहेगा कि मुझे तो 3-4 महीना मिल भी गया था रेस के लिए और मैंने रेस नहीं लगाई और लास्ट में 20-25 दिन में नहीं लगा पाई। बहुत सी लड़कियाँ तो ऐसी होंगी वो यही सोचे कि मैंने अभी तक रेस ही नहीं लगाई, 20-25 दिन में क्या होगा, चलो नहीं लगाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि वो 20-25 दिन और झोंक के रेस लगाएंगे 2-3 बार। आपको सोचे, ये शरीर ही है, इस पे ज़्यादा मेहनत करवा देंगे, ज़्यादा रख देंगे वजन, तो ये सह पाएगा क्या, चोटें लग होंगी, दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। तो आप लोग ऐसा ना करें, अभी से रेस लगाने लगे। और सबसे ज़्यादा टाइम लड़कियों को ही लगता है रेस तैयार करने में, उसका भी रीज़न है, मैं आगे आपको बताऊंगा। और आप लोग कम से कम अगर आपको तैयार करना है रेस तो 2 मंथ तो चाहिए हर हाल में। अगर आप दुबली पतली हो तो, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको और ज़्यादा समय लग सकता है। तो इसलिए आप लोग अपनी रेस स्टार्ट कर दें, इन सब बहकावे में ना आए, कितने नंबर, कितनी कट ऑफ ये मत सोचें। फिर बहुत कम समय मिलेगा, मुश्किल से आपको 20 से 25 दिन का समय मिलेगा रेस के लिए, और उसमें आपकी रेस तैयार नहीं हो पाएगी, ध्यान रखना। और उसमें भी जब फिजिकल होता है तो 2-3 दिन पहले लोग बंद कर देते हैं रेस लगाना कि आप नहीं लगाएंगे रेस, आराम करना पड़ता है, उसी दिन तक थोड़ी कोई दौड़ना है। आप लोग अभी से रेस लगाने लगे, आप मेरी बात मान जाए, बहुत ज़्यादा परेशान होंगी वरना। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि रेस तैयार करने में ज़्यादा समय क्यों लगता है। देखिए, जितनी भी फीमेल हैं उनका जो अपर वेट होता है वो ज़्यादा होता है बॉडी का, तो अपर वेट की वजह से पैरों पे ज़्यादा जोर लगता है। जब आप दौड़ोगे तो पैरों पे ज़्यादा जोर लगता है तो आपको बहुत जल्दी हाफी आने लगती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि पहले आप शुरुआत में 15 से 20 दिन कम से कम तेज चाल में आप चलें, तेज चाल में, ना वही वो रनिंग है ना ही वो पैदल चाल है, उसके बीच में आप चलें। तो क्या होगा, आपका धीरे धीरे वजन कम होने लगेगा। जब आपका वजन कम होने लगेगा तो आपकी रेस अच्छी हो जाएगी। और एक चीज़ देखना, दुबली पतली जो लड़की होगी बहुत जल्दी रेस तैयार कर लेती है, बहुत जल्दी। तो इसलिए पहले अगर आपका वेट ज़्यादा है तो पहले आप अपना वेट पे ध्यान दें कि वेट आपका कम हो जाए, रेस बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और ये केवल ऐसा नहीं कि फीमेल के पास भी है, मेल के पास भी यही हाल है, मेल का भी यही होता है कि उनका बॉडी का अपर वेट ज़्यादा है तो फिर दिक्कत आती है पैरों पे, और बहुत जल्दी आपके घुटने दर्द करने लगेंगे, जांघें भर जाएंगी, सीन पेन की समस्या आने लगेगी। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि बॉडी का अपर वेट बहुत ज़्यादा है, बस यही समस्या आती है। आप लोग अभी से रेस लगाने लगे, 15-20 दिन बस तेज चाल में आप चलते रहें, फिर आप खुद देख लेना आपकी रेस आराम से तैयार होने लगेगी। रेस के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बता दूंगा, पूरी स्ट्रेटजी बता दूंगा कि इस तरीके से आप अपनी रेस तैयार करें और आपकी रेस तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है लड़कियों की तैयार करने का, अगर आप इसको इग्नोर कर दिए आपकी रेस बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, वो क्या है कि फास्ट फूड इग्नोर करें।
भाई बहुत से हैं गोलगप्पे देखे नहीं कि बस उनको गोलगप्पे खाना, बर्गर, पिज्जा, भाई ये कुछ दिनों के लिए जितनी भी बहनें हमारी इसको इग्नोर कर दें जब तक आप रेस लगा रही हैं। थोड़ा सा डाइटिंग कर ले इस चीज़ की, अगर आपने ये बंद नहीं किया तो आपकी सांस फूलने की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। मैंने देखा है कि वो लोग डेली बर्गर, पिज्जा, फिंगर मोमोज ये चाहिए। भाई किसको किसको पसंद है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 100% ऐसी लड़कियाँ होंगी कि जिन्हें फिंगर मोमोज, बर्गर, गोलगप्पे सब पसंद होगा। थोड़े दिन के लिए त्याग दो, उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। फिर आप कितना भी खाना कुछ भी करना, बस थोड़े दिन की बात है, 2 महीना आपकी रेस तैयार हो जाएगी, सांस फूलना बंद हो जाएगी, फिर आप फिर से खाने लगना, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक रेस है तब तक आप ना खाएं। और बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करता है, मैंने मेल्स को देखा है कि वो तो इतना नहीं खाती हैं, ठीक है, अगर फीमेल को ये चीज़ें दिख भर जाए ना पेटी भर लेंगी उससे, तो आप लोग ऐसा ना करें, इस चीज़ को एक इग्नोर कर दें सबसे पहले। जो भी रेस करने शुरू कर रहा है, रेस करना शुरू कर रहा है, सबसे पहले इस फास्ट फूड को इग्नोर कर दें। जैसे ही उसने फास्ट फूड इग्नोर किया, जो शारीरिक कमजोरी है और जो सांस फूलने की समस्या है, जो थकान जल्दी आ जाती है, वो समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आप लोग खास ख्याल रखें, इस पॉइंट का जरूर खास ख्याल रखें। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप परेशान मत हो, किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं, कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं, अब आप रेस की वीडियो देखो। अगर आपके ये 80+ बन रहे हैं तो आप रेस की वीडियो देखो। और एक चीज़, ये कट ऑफ कोई बता रहा है 200+, कोई बता रहा है 90+, कोई बता रहा है 180+, ये सारी कट ऑफ फेल होने वाली है। कोई ये कट ऑफ नहीं जाएगी फीमेल्स के लिए, ध्यान रखना। जो मिनिमम कट ऑफ जाएगी वो 80 के आसपास तक रहेगी, मिनिमम जो सबसे लास्ट बच्ची को लिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपके 80 के आसपास कोई भी कैटेगरी से बन रहे हैं, SC ST 75 के आसपास बन रहे हैं, आप रेस लगाते रहें। रेस में आप लापरवाही ना करें, अगर आपने रेस नहीं लगाई तो बहुत समय लगने वाला और ज़्यादा समय मिलेगा भी नहीं। और बहुत क्या सारी लड़कियाँ ऐसे ही कर रही हैं, रेस लगा ही नहीं रही। रेस को मजाक मत समझो, जब आप रेस लगाने जाओगे ना तो 2-4 दिन बाद आपको ऐसे लगने लगेगा कि मैंने UPPLS की तैयारी क्यों की, इससे अच्छा मैं कोई SSC की तैयारी कर लेती, मुझे दौड़ना ना पड़ता, ऐसे ही विचार आते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी आपके लिए कितने प्लस पॉइंट होने वाले हैं। अभी जो आपको देख के मजाक उड़ाते हैं और जो लोग कुछ कमेंट करते हैं उनको डर लगने लगेगा आपसे, क्योंकि आपके पास वर्दी होगी। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको खुश रहना है, मस्त रहना है, अगर आपने पेपर दिया है, आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप सीरियस होकर रेस लगा लें। बहुत सारे बच्चियों को मैंने देखा है कि अभी आके वो कमेंट करेंगी और उसी कमेंट में मस्ती मजाक करने लगेंगी, अभी आप देख लेना आपको भी इसमें कमेंट मिल जाएंगे। लेकिन ये मस्ती मजाक का समय नहीं है, आपके रेस का समय है, थोड़ा सीरियस होने का समय है। आप अगर अभी सीरियस हो जाओगी तो आपकी जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी और आपके लिए अच्छा होगा। तो आप सभी लोग इस इतने के आसपास हैं तो आप रेस लगाने लगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो, वीडियो मत देखें, रेस की वीडियो देखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जय हिंद।